बेहद इंटरेस्टिंग समय चल रहा है, जहां एक ओर मोदी सरकार ने अपना पहला साल पूरा किया है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वहीं बाजार में नीचे से देखें तो एक अच्छी रिकवरी हुई और ऊपर से देखें तो शानदार करेक्शन भी। इकोनॉमी के हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर से कच्चे तेल और रुपए में जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है, लोगों को सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये रिकवरी टिकाऊ है। तो बेहद ढेर सारे सवाल है और इन सवालों के जवाब लेना जरूरी है बाजार के जाने माने दिग्गजों से। और हमारे साथ आज खास मुलाकात में यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रसेश शाह। रसेश भाई, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। शुरुआत करता हूँ सरकार के पहले साल के कामकाज से लेकर, क्या लग रहा है आपको, लगता है कि जिस तरह की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ये सरकार पूरी खरी उतरी है? अरे उम्मीदें तो थोड़ी हाई थी, लेकिन ये सरकार की जो परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छी है। अभी लास्ट 3-4 महीने से मैंने काफी हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की है। आई मस्ट हैव डन अबाउट 40-45 मीटिंग्स की मैंने। हर किसी को मैंने एक सवाल पूछा है कि आपके अभी हालात एक साल पहले थे उससे अच्छे हैं या उससे खराब हुए हैं। एंड 100% आंसर इज अच्छा है, अच्छे हुए हैं, क्लियर इम्प्रूवमेंट हुई है एक साल में। तो वो तो एक आई थिंक एक साल पहले इकोनॉमी ऐसी स्टेट पे थी कि आई थिंक ये जो हम लोग ने जो इम्प्रूवमेंट लाई है वो काफी अच्छी है। इसके साथ में जो गवर्नमेंट ने काम किया है करप्शन के ऊपर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह रहे हैं कि 40 से 45 कॉर्पोरेट से आपकी बात हुई, वो कह रहे हैं कि एक साल में सिचुएशन बेहतर हुई, ये सेंटीमेंट के लिहाज से बेहतर हुई है या फिर ग्राउंड लेवल पर भी सिचुएशन बेहतर हुई? नहीं नहीं, मैं तो ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ। सेंटीमेंट तो स्टॉक मार्केट देख के हर किसी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, इंटरसेंस उनके अप्रूवल आ गए, प्रोजेक्ट आगे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन हो रहे हैं, ये इन सब चीजों पे उनकी उम्मीदें और भी ज्यादा थी। तो इट इज नॉट एज पर उनके एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो एक साल पहले जो उनके हालात थे, जो काफी प्रोजेक्ट अटक गए थे, काफी अप्रूवल नहीं आए थे, डिसीजन मेकिंग स्लो थी, वो सब निकल गया है। तो अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, या अभी वो प्रोजेक्ट में से कैश फ्लो अभी आना है, बैंकों को रिपेमेंट करना है, वो सब अभी भी बाकी है। लेकिन जो एक साल के जो हम जहाँ थे और हम अभी कहाँ है, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो शुरुआत से सरकार ये कह रही थी कि हम प्लेटफॉर्म ऐसा देंगे जहां पर आप आए बिजनेस करें, आपको अप्रूवल्स में आसानी रहे, ज्यादा चक्कर न लगाने पड़े डिपार्टमेंट्स के, मंत्रालयों के, उसमें काफी कुछ कामकाज हुआ है? काफी हुआ है, गवर्नमेंट के अप्रूवल हो रहे हैं, गवर्नमेंट सुन रही है, कंसल्ट कर रही है, काफी लोगों से बातचीत कर रही है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी हुआ है, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो इतना बड़ा है, ये जो मल्टीपल अप्रूवल्स है, मल्टीपल रेड टेप है, इधर हर स्टेप पे किसी न किसी को पूछना पड़ता है, ये तो इंडियन कल्चर हो गया है। तो उसको निकालते निकालते आई थिंक और भी काफी साल निकल जाएंगे। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं अभी भी उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की अप्रूवल अटक गए थे, जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी, जो गवर्नमेंट की ये मानना था कि हर बिजनेस कुछ 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 गलत कर रहा है, जो बहुत करप्शन भी हो गया था, वो सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या आप जब कह रहे हैं कि काम काफी कुछ हुआ है, लेकिन लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी, तो वो कौन से काम या वो कहां उम्मीदें जितनी थी उतना कम हो पाया या नहीं हुआ, वो ऐसे क्या फील्ड रह गए, क्या ऐसे एरियाज रह गए जहां पर लोगों को लगता था और करती सरकार तो मजा आता? इनके हर किसी की ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट बहुत बोल्ड रिफॉर्म्स लेंगे, अप्रूवल निकाल देंगे अप्रूवल। तो अभी क्या हुआ है, अप्रूवल निकाले नहीं है, अप्रूवल फास्ट आ रहे हैं। जो उनकी उम्मीदें थी कि अभी सब अप्रूवल निकल जाएगा, फ्री बिजनेस हो जाएगा, काफ़ी बोल्ड रिफॉर्म जो जैसे 1991-92 में हुआ था, जब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी थी, तो ये जो बड़े बिग बैंग अप्रोच थे कि वेदर इट इज ऑन द लेबर रिफॉर्म्स, हायरिंग फायरिंग पीपल इजी कर देंगे, सब अप्रूवल निकाल देंगे, ये जो FDI के 49% रिस्ट्रिक्शन है ये सब निकाल देंगे, वो जो उम्मीदें थी कि एकदम हम सडनली एकदम ओपन मार्केट बन जाएंगे, वो उम्मीद है, वो अभी तक उम्मीद है, अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार का इंटेंशन है, इस पर अब आने वाले साल में काम होगा? ये सरकार काफी केयरफुल है, इनकी इनका वो थोड़ा इंक्रीमेंटल अप्रोच है, इनको धीरे धीरे करना है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो इंडिया शाइनिंग का जो घोस्ट है, जो इंडिया शाइनिंग के इनके साथ जो हादसा हुआ था 2004 में, ये अभी भी उनके एक्सपीरियंस में है, अभी भी उनको मालूम है, उनको याद है।
कि वो इंडिया शाइनिंग से क्या हुआ था. तो ये काफ़ी केयरफुल है, काफ़ी काफ़ी स्लोली उनको उनको चेंज करना है. और एक अच्छा चीज़ हुआ है गवर्नमेंट के लिए कि ऑयल प्राइस नीचे आ गए है, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल है, ग्लोबल लिक्विडिटी स्टेबल है, तो इसकी वजह से एनीवे थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत इकोनॉमी में तो इम्प्रूवमेंट आ रही है. तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए ये कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी भी नहीं है. और अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट को ये भी करना है कि उनको वो इंडिया शाइनिंग का रिपीट करना नहीं है. लेकिन अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि चलिए जो काम हुआ वो हुआ, लेकिन अब आगे क्या काम और सरकार को करने की जरूरत है, क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो काम हम देखना चाहते थे, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, बड़े बिल्स अटके हुए पड़े हैं. तो अब क्या देखना चाहते हैं अगले एक दो साल में सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए? तो एक तो ये जो पार्लियामेंट में जो अटके हुए बिल, स्पेशली जीएसटी और जो लैंड का बिल है, वो अगर निकल जाएगा तो वो बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा. सेकंड, गवर्नमेंट को थोड़ा स्पेंडिंग स्टार्ट करना है. क्या हुआ है लास्ट 5-6 महीने से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत कम हो गई है. गवर्नमेंट ने फाइनेंस होल्ड पे रखे हुए हैं, तो स्पेशली रेलवेज में है, डिफेंस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है. वो गवर्नमेंट ने काफ़ी अनाउंसमेंट्स की है, काफ़ी प्रोजेक्शन किए हैं, लेकिन उनको स्पेंडिंग स्टार्ट करना है. बिकॉज ये इकोनॉमी में और एक चीज़ हो गई है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही है लेकिन कंजम्पशन भी बहुत स्लो हो रहा है. और ये कंजम्पशन का एक फैक्टर है, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टार्ट होगी तो एटलीस्ट उससे थोड़ा बहुत यू नो इकोनॉमी में कंजम्पशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. तो सरकार की तरफ से पहल होनी जरूरी है. लेकिन कुछ मुद्दों पर आपसे बात राय लेना चाहता हूँ, खासतौर से इस लिहाज से कि क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज हाउसेज में से हैं और आप हैं एक्चुअली, और आप दुनिया भर के इन्वेस्टर से बातचीत करते हैं. एफआईज ये पहले साल को किस तरह से देख रहे हैं सरकार के? ओवरऑल वो लोग खुश है क्योंकि हर किसी का अच्छा यू नो अच्छा रिटर्न बना है. मैं अभी अभी अमेरिका में था, मैं काफ़ी इन्वेस्टर्स से मिला. ओवरऑल वो लोग खुश है, उनकी लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस इंडिया में काफ़ी हाई है. लेकिन हर इन्वेस्टर की अलग अलग यू नो अप्रोच है. तो काफ़ी इन्वेस्टर्स जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी है, उनका काफ़ी लोगों का मानना है कि अभी मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा आगे निकल गया है. जो अच्छी कंपनियां हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है और उसके साथ में अर्निंग ग्रोथ आ नहीं रहा है. तो आपका पी तो ऊपर हो गया है, अभी तक ई नहीं आ रहा है. तो इसकी वजह से ये जो इन्वेस्टर्स है वो बोलते हैं अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, एक बार थोड़ी अर्निंग ग्रोथ देखते हैं, उसके बाद इंडिया की तो स्टोरी तो नेक्स्ट 5-7 साल के लिए है. और उसके साथ में और एक कैटेगरी इन्वेस्टर्स है कि जो स्लाइटली मोमेंटम ड्रिवन है, उनको भी ये मानना है कि अभी इंडिया का मोमेंटम थोड़ा कम हो गया है. एक और एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है जो एसेट एलोकेशन करते हैं, तो वो भी इंडिया की जो एलोकेशन है वो इतनी इंक्रीज हो गई क्योंकि इंडिया मार्केट इतना आगे भाग गया, तो वो अभी उनको कम करना है. वो चाइना और कोरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज अभी चाइना कोरिया मार्केट बहुत अच्छा हो रहा है. तो हर एफआईआई, बिकॉज एफआईआई भी अलग अलग किस्म के होते हैं, तो हर एफआईआई अलग अलग कर रहा है. लेकिन एक थीम है कि वो इंडिया के बारे में थोड़े स्लो डाउन हो गए हैं और चाइना के बारे में थोड़े हॉट हो गए हैं. और प्राइस परफॉर्मेंस में वो दिख भी रहा है कि चाइना के बाजार जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, हम थोड़े से ठंडे हैं. लेकिन क्या ये जो मूड बदला है, आपने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मूड वाली जो एफआईआईज हैं, क्या उनका मूड ये मैट का केस जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है उसने मूड बिगाड़ा है? मैट का केस एक छोटा था, कुछ इन्वेस्टर को इससे भी इरिटेशन होती है कि इंडिया में ये आपकी जो हैबिट है रिट्रो एस्पे यू नो पीछे वाले टैक्स लेने के लिए, वो कुछ इन्वेस्टर, आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा मुद्दा था. आई थिंक मार्केट वैल्यूएशन जो आगे भाग गए थे, प्लस मार्केट में करेक्शन ऐसा ही होता है. अनिल हमारा तो मानना है मार्केट 70% ऊपर गया है, उसके बाद अगर 10% करेक्शन होता है तो ये तो हेल्दी ही होना चाहिए. और ये 10% इसके लिए हुआ है कि इंडियन इन्वेस्टर्स में से काफ़ी फ्लो आ रहे हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में बहुत फ्लो है. तो ये जो एफआई सेलिंग है उसके काउंटर बैलेंस हो रहा है कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन म्यूचुअल फंड काफ़ी बाइंग कर रहे हैं. तो उसी के लिए ये सिर्फ 10% गिरा है, अदरवाइज शायद और भी गिर सकता है. आपको ये सेंस मिल रहा है कि अब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आ रहे हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में पैसा लगा रहे हैं? काफ़ी आ रहा है. आई थिंक ये जो हाउस होल्ड की जो फाइनेंशियल सेविंग्स होते हैं वो काफ़ी कम हो गए थे लास्ट 5 साल में. हमारा ये अभी मानना है कि वो अभी वापस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है
और हाउसहोल्ड्स के फाइनेंशियल सेविंग्स अभी अभी स्टॉक मार्केट में आएंगे, वो अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू आएंगे, इंश्योरेंस के थ्रू आएंगे, तो ये एक अच्छा है। और इंडियन सेविंग्स इतना बड़ा है, सो लास्ट ईयर आप देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 74,000 करोड़ की इन्फ्लो आई, उसका मतलब है $12 बिलियन की इन्फ्लो आई, और FIIs ने पूरा $18 बिलियन इन्वेस्ट किया था इंडिया में, और ये तो सिर्फ म्यूचुअल फंड है, फिर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है, LIC है। तो अभी मेरा ये मानना है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, LIC, उनका पल्ला थोड़ा भारी है इन टर्म्स ऑफ उनके पास कितने फंड्स है एज कम्पेयर टू FIIs। पिछले एक साल में हमने अच्छे दिन इसलिए भी एंजॉय किया कि क्रूड के दाम बहुत नीचे थे, करेंसी बड़ी मजबूत थी, रुपया मजबूत था, लेकिन अब धीरे धीरे वो सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है। तो क्या फिर ऐसे में इंडियन इकोनॉमी के रिवाइवल पर या जो स्ट्रेंथ अब तक दिखी है उस पर क्वेश्चन मार्क है? नहीं, आई थिंक जो ऑयल प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर आया है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक साल पहले ऑयल प्राइस 100 के ऊपर था, अभी 65 पे है, तो ये इटसेल्फ काफी सेविंग्स है और ये सेविंग्स काफी आ जाएंगे, और इसके साथ में इन्फ्लेशन अभी भी लो है, इन्फ्लेशन अभी और भी कम हो रहा है, कंजम्पशन लो है, डिमांड लो है, तो आई डोंट थिंक इन्फ्लेशन अभी जोर से वापस आएगा। गवर्नमेंट फाइनेंस बहुत अच्छे शेप में है, गवर्नमेंट की जो फिस्कल कंट्रोल है, इनफैक्ट अभी थोड़ी एक्स्ट्रा कंट्रोल हो गई है, हम तो ये होप करते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा स्पेंडिंग स्टार्ट करे तो उससे इकोनॉमी में रिवाइवल हुए, तो ये सब जो लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर अच्छे ही है। रुपी भी ओवरऑल US डॉलर के सामने नहीं, लेकिन और सब करेंसी के सामने तो स्ट्रॉन्गर हुई है, तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट इंडिया का भी ये एक चीज़ है कि मैक्रो अच्छा है और माइक्रो बहुत बुरा है, और आप अगर देखिए पाँच छः साल पहले इंडिया का एक्चुअली मैक्रो बहुत बुरा था लेकिन माइक्रो बहुत अच्छा था, कंपनियों की ग्रोथ हो रही थी लेकिन इन्फ्लेशन हाई था। तो आई थिंक ये जो अभी ये मैक्रो माइक्रो का जो डाइवर्जेंस है कि कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही अर्निंग्स की, लेकिन इकोनॉमी अभी भी 6.5% 7% पे ग्रो हो रहा है। तो फिर आप ये मानते कि फिर अब 2 जून को RBI गवर्नर रेट कट तो पक्का करेंगे? आई डोंट नो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है करना चाहिए, कि करना चाहिए। आई थिंक अभी इंडिया में एक साइड से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग स्टार्ट करनी और एक साइड से RBI को रेट कट करना है, तो ये जो फिस्कल स्टिमुलस एक साइड पे और मॉनेटरी स्टिमुलस एक साइड पे, ये दोनों अगर हम लोग डालेंगे तो वो कॉन्फिडेंस में रिवाइवल, क्योंकि अभी जो है ये एक्चुअल कुछ नहीं है क्राइसिस, ये क्राइसिस कॉन्फिडेंस की है। इंडियंस को ये मानना है कि फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा है, अभी स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और वो उसके लिए एक हमें ट्रैकर, एक कैटलिस्ट चाहिए, ट्रिगर चाहिए, और आई एम होपिंग कि RBI कट करेंगे, लेकिन अगर वो अगर 25-25 बेसिस पॉइंट अगर हर टाइम कट करेंगे मजा नहीं है, तो ये अब्सॉर्ब हो जाएगा वो उससे कुछ लाइक, एटलीस्ट हमारा तो ये मानना है कि जो मार्च में कट किए थे वो एक्चुअली वो कम्प्लीटली फ्रंट लोडिंग करनी चाहिए, सो एकदम फ्रंट लोडिंग अग्रेसिव करनी चाहिए 2 जून को कम से कम 0.5%, लेकिन ये थोड़ा रिस्की मूव है, लेकिन आई थिंक अभी ये समय आ गया है कि हमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। तो आप जब कह रहे हैं कि करेक्शन की बड़ी वजह बाजार में FIIs के मैट वाला मुद्दा नहीं होकर वैल्यूएशन से या फिर कंपनियों की कमाई नहीं दिख रही थी, तो क्या ये माने कि 9,000-9,200 की रेंज में फिर जब हम पहुंचेंगे मार्केट थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि रिजल्ट सीजन तो अभी भी कमजोर ही रहा है? अभी एक दो क्वार्टर कमजोर ही रहेगा, लेकिन अगर 2 क्वार्टर के बाद तो आई थिंक रिजल्ट इम्प्रूव होने चाहिए, अर्निंग्स इम्प्रूव होने चाहिए, एक तो ये इसके ऊपर बेस इफेक्ट भी आ जाएगी, तो उस टाइम पे लोग आगे की देखेंगे, तो अगर ये मार्केट 3-6 महीने अगर ये साइडवेज जोन में रहेंगे तो ऑलमोस्ट 6 महीने आगे की सोचना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी लोग FI 16 देखते हैं, अक्टूबर तक FI 17 का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका मानना है कि 6 महीने के बाद भी अर्निंग ग्रोथ होने वाली है नहीं, तो इंडिया का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो मार्केट का ट्रिगर होगा वो अर्निंग से भी होगा। ओके, लेकिन फिर क्या ये समझना या ये अज्यूम करना सेफ है कि 8,000 के आसपास मार्केट ने बॉटम बना दिया और जो मैक्रो फैक्टर हमारे इतने पॉजिटिव हैं उनको देखते हुए बाजार की डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है? हाँ, ये जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, ये जो इंडियन फ्लोज आ रहे हैं उसकी वजह से एक फ्लोट हो गया है, और जो FII का पोर्टफोलियो रीएलोकेशन हो रहा है उसकी वजह से कैप हो गया है, तो ये फ्लोर और कैप के बीच में मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाएगा, और ये
अभी ये जो मार्केट के लोग बोलते हैं टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन नहीं होगा। ओके, यानी कि कुछ और समय 3 से 6 महीने हमें ये 1800 पॉइंट की रेंज में देखना पड़ेगा बाजार को। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में अब एफआईएस फिर से फुल फ्लेज इंडियन मार्केट्स में आए, उन्हें कोरिया या फिर चाइना के बजाय हमारे बाजार ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, वो ट्रिगर्स क्या होंगे, किस वजह से वो आएंगे? एक तो अर्निंग्स ग्रोथ होगा, एक अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो ये सब तो काफी ट्रिगर्स है। और अगर गवर्नमेंट भी अगर स्पेंडिंग स्टार्ट करती है, ये जो रिफॉर्म्स है, एक जो बिल है, एस्पेशली अगर जीएसटी हो जाता है तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा। तो ये काफी मार्केट के लिए ट्रिगर्स तो आते रहेंगे, और एक बार वो थोड़ी ओवरशिप, ये जो उनकी ओनरशिप है थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ था कि हर एफआईआई इंडिया पे ओवरवेट हो गए थे, तो ये जो ओवरवेट भी थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो वो एक बार करेक्ट हो जाएगा तो फिर एपेटाइट अपने आप उनकी इंक्रीज हो जाएगी। डोमेस्टिक फंड्स जो बाजार पर इतने बुलिश हैं, आप इन सबसे भी बात करते हैं, क्या ये वाकई में सिर्फ लिक्विडिटी फ्लो है या फिर लॉन्गर टर्म आउटलुक उन्हें मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? एक्चुअली दोनों है, क्योंकि लिक्विडिटी फ्लो है, लेकिन अगर लिक्विडिटी फ्लो के सामने अगर मार्केट का, इंडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म आउटलुक, कॉर्पोरेट अर्निंग का लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा नहीं है, तो इंडिया के फंड मैनेजर्स काफी स्मार्ट है, वो लोग इक्विटी मार्केट नहीं बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। बट आई थिंक इक्विटी मार्केट में, एंड ये इंडियन फॉरेन इन्वेस्टर्स एफआईआई हर किसी का मानना है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए इंडिया की आउटलुक बहुत अच्छी है, तो वो कॉन्फिडेंस अभी भी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हर किसी को कुछ कंसर्न है, वैल्यूएशन है, अर्निंग्स है, ये है वो है, लेकिन ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस आई हैव नॉट हर्ड कि किसी को अभी भी कंसर्न है कि इंडिया, एक हर किसी का मानना है कि इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और अभी भी ये स्ट्रांग मानना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स 1-2 क्वार्टर के बाद तो इंक्रीज तो इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस लिहाज से अगर 3 से 5 साल का व्यू यहाँ से लिया जाए तो फिर आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास इक्विटी होगी इंडिया में? एब्सोल्युटली। आई थिंक अगर आप 3 से 5 साल देखे तो 15 से 18% की रेंज में आई थिंक इक्विटी रिटर्न्स आने चाहिए, क्योंकि उतनी हमारे हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी हो जाएगी। सो जो हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो होगी उस हिसाब से मार्केट का रिटर्न भी आएगा। और जब आप ये कह रहे हैं कि एग्रेसिवली रेट कट भी होने ही हैं, अब ये वक्त की बात है कि कब तक होते दिखें, तो फिर क्या फिक्स इनकम में भी इन्वेस्टर्स पैसा बना पाएंगे? हाँ जी, उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट हम एक ऐसे स्वीट स्पॉट पे है कि इक्विटी मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम दोनों अच्छे लग रहे हैं। कमोडिटीज का आउटलुक थोड़ा साइडवेज है, क्योंकि अगर आप गोल्ड और सिल्वर देखिए उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों एसेट क्लास पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो एक्चुअली इन्वेस्टर आइदर इक्विटी में इन्वेस्ट करे या फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करे, आई थिंक अगले 1 साल तो अच्छा ही होना है। और रियल एस्टेट में भी अगले 2-3 साल पैसे नहीं बनने वाले? रियल एस्टेट भी मार्केट सॉफ्ट है, लेकिन अभी एक्चुअली प्राइसेस कुछ बॉटम आउट हो रही है। हम ये देख रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में अभी थोड़ा अपटिक स्टार्ट हो गया है, अभी भी रेसिडेंशियल में सेल्स थोड़े कम है, तो आई थिंक रियल एस्टेट और 1-2 साल के बाद ही होगा। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि हम स्वीट स्पॉट में, यानी कि हमारे यहाँ रेट्स कम होते हुए दिखेंगे, रेट कट से इक्विटी मार्केट भी बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आप सारे एफआईएस से बात करते हैं, अमेरिका में रेट बढ़ने का खतरा है, हमारे यहाँ कम होने वाले हैं, और कई लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि अमेरिकी बाजार बबल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट अमेरिकी मार्केट्स का, उनके वहाँ रेट हाइक का, उनके वहाँ बबल बनने का हमारे बाजारों पर पड़ेगा? आई थिंक एक तो ऑलरेडी लिक्विडिटी कुछ स्लो हो गई है, और अगर यूएस इंटरेस्ट ऊपर जाएंगे तो ज्यादा कैपिटल उधर जाएगा, तो थोड़ा तो लिक्विडिटी फ्लो, ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लो पे असर होगा। थोड़ा रूपी थोड़ा वीकन भी हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा ही है हमारे एक्सपोर्ट के लिए, थोड़ा वीक रूपी अच्छा ही है। बट इसके अलावा आई एम नॉट वेरी कंसर्न, क्योंकि मैंने कहा कि इंडियन जो फ्लोज है, इंडियन लिक्विडिटी फ्लोज है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप अगर देखिए जो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और LIC के फ्लोज आने वाले हैं, वो काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक FIIs थोड़े कम हो सकते हैं अगर ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत अगर बहुत क्रंच हो गई। जब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंजम्पशन में स्लो डाउन दिख रहा है, तो फिर क्या कहाँ फिर निवेश के मौके हैं बाजार में इस वक्त? क्या डिफेंसिव सेक्टर्स, फार्मा, IT, FMCG ये ठीक रहेंगे, या फिर अब एग्रेसिव सेक्टर्स में रेट सेंसिटिव बैंक्स, ऑटो, वहां मौका है जहां रेट कट होंगे?
एक्चुअली हमडी कंपनी के हिसाब से है, हमारे मानना है कि कुछ कुछ गवर्नमेंट ओन बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स, वो भी काफी अच्छे प्राइस पे आ गए हैं और वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक 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 प्रॉक्सी है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इंडिया की प्रॉक्सी है, अगर इंडियन इकोनॉमी आनी है तो उनको भी ग्रो करना है, तो काफ़ी काफ़ी गवर्नमेंट बैंक्स में भी वैल्यूएशन अच्छे हैं। आई थिंक कुछ कुछ ऑटो कंपनीज अभी बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यू हो गए हैं, क्योंकि ये वो उनका जो एक साल का ग्रोथ हुआ नहीं है वो भी उनके अभी प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो अच्छे ही है, फार्मा भी अच्छा है, आई थिंक आईटी कंपनीज भी अभी अच्छे प्राइस पे आ गए हैं। तो एक्चुअली लेकिन ये स्टॉक स्टॉक के हिसाब से है, क्योंकि हर स्टॉक इज ऑल्सो गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, सो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक पिकिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी नेक्स्ट आने वाले 3 से 6 महीना में, हमारा ये तो मानना है कि ये स्टॉक पिकर्स एनवायरनमेंट होगा। और सरकार की तरफ से जब स्पेंडिंग बढ़ने वाली, इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला, तो क्या इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, ये सेक्टर्स जो पिटे हुए हैं यहाँ पर भी एक एक्शन देखने को मिल सकता है? अर्ली टू से, क्योंकि इसमें एक्शन भी आ सकती है, लेकिन काफ़ी कंपनी के जो इतनी बोरोइंग है, उनके जो बैलेंस शीट स्ट्रेच हो गए हैं, तो ये अभी एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को इस पे रिस्क लेना थोड़ा यू नो थोड़ा एडवेंचरस होगा, थोड़ा थोड़ा प्री मच्योर होगा। आई थिंक उसके लिए यू कैन वेट फॉर 3-6 मंथ्स, देखते हैं वेदर वो कैपेक्स साइकिल रिवाइव होती है नहीं होती है, और उसके बाद में जो अच्छी कंपनियां हैं जिनके बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेस नहीं, उसमें गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। और जब मुझे याद है शायद 1.5 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था और आपने एक वो बुक निकाली थी 25 रेसेशन प्रूफ कंपनीज, बाजार किधर भी जाए, इकोनॉमी की हालत कुछ भी हो, ये कंपनियां तो पैसा बनाएगी। और वो पोर्टफोलियो देखें तो मेरे ख्याल से तब से लेकर अब तक डबल से ज़्यादा तो हो चुके हैं लगभग सारे शेयर और सारे लार्ज कैप्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब भी अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप शेयरों में पैसा बनाने का मौका है, देर नहीं हुई है? अभी भी है, अगर आप 3 से 5 साल का इफ यू टेक द व्यू और आप स्लोली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट अगर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, यू नो हर प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एवरेज प्राइस भी अच्छा हो जाएगा और इनका तो ग्रोथ है। ये सब कंपनियां ऐसे हैं जो 20-25% तो सालों साल ग्रो होती आई है और ये होती रहेगी। सर आखिरी सवाल, क्योंकि हम सरकार के पहले साल के कामकाज पर बात करें, तो कोई वो एक या दो बड़ी चीजें जो आप अगले साल सरकार से चाहेंगे कि वो काम तो कम से कम सरकार करके दिखाए? एक तो है जीएसटी, अगर ये हो जाता है, अगर जीएसटी हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा बहुत इकोनॉमी के ऊपर और सेंटिमेंट के ऊपर। और एक सेकंड है कि फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, कि हमारे बॉन्ड मार्केट, बैंकिंग सेक्टर ओपन करना है, बॉन्ड मार्केट को स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है तो फाइनेंशियल सेक्टर विल प्ले अ वेरी बिग रोल। तो अगर ये दो चीज़ हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। और फाइनली इस सरकार को अगर नंबर देने हो 10 में से, कितने देंगे आप पहले साल के काम के बेसिस पर? मेरे हिसाब से 7 और 8 के बीच में उन्होंने किया है, क्योंकि एज आई सेड जो ये कंट्री की हालत थी एक साल पहले और हम अभी कहाँ आ गए हैं, जो कॉन्फिडेंस है वो सब है, उसकी कुछ तो क्रेडिट गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। तो आई वुड से बिटवीन 7 और 8 डिस्टिंक्शन मार्क्स, 7.5 डिस्टिंक्शन मार्क्स। बिल्कुल रसेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज सीएनबीसी आवाज से ये खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।